वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी 7000 जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, और यही वीडियो आज हम लोग देखेंगे। और इसमें हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये जो 7000 जिन लोगों ने अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए, सो वो क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो यकीनन ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से 80% जो है, मतलब 100 में से 80% पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है इंडिया में। तो इसका क्या रीज़न है और क्या लोगों के ओपिनियंस आते हैं वो हम चलकर देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स चैनल सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7000 पाकिस्तानियों ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 14 दिसंबर 2021 में, यानी कि पिछले 5 सालों में 7000 पाकिस्तानियों ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम की राय जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी आवाम इंडिया की सिटीजनशिप क्यों लेना चाहती है, इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। जी तो व्यूवर्स, आज दोबारा से हमारे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है और टोटल जो एप्लीकेशन फाइल हुई हैं वो 11000 हैं, और जिसमें 7000 पाकिस्तानियों ने इंडिया की शहरियत के लिए अप्लाई किया है, इस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा हिंदुस्तानी। कैसे हैं आप इमरान खान साहब? मैं ठीक हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरा हिंदुस्तानी, मेरी बात सुनो कान खोल के। 7000 पाकिस्तानियों ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। अब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अभी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी से इंडिया के आवाम तंग आ चुके हैं। अब इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन है? इमरान खान अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और मेरे हिंदुस्तानियों, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और अब इमरान खान आके इंडिया को अरूज पर लेके जाएगा। इमरान खान इंडिया के लोगों की तकदीर बदल देगा। और मेरे हिंदुस्तानियों, आप एक बहादुर कौम हो, आप अच्छे लोग हो, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है। पाकिस्तान के लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के लोग दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। मेरे हिंदुस्तानियों, आपको एक इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। नरेंद्र मोदी को छोड़ें, उसे पाकिस्तान भेज दें। मेरी बात सुने, अगर मुझे एक बात बताएं, 7000 इमरान खान साहब ये बताइएगा कि 7000 लोगों ने अप्लाई कर दिया इंडिया के शहरियत के लिए, यानी कि उनको इंडिया इतना पसंद आया है, उनकी हुकूमत इतनी पसंद आई है, क्यों, क्या वजह नज़र आ रही है कि वो इंडिया पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं? आपके स्टैट्स ही गलत हैं, 7000 एक हो चुके हैं। आप, मैंने भी आज अप्लाई किया। और मेरे हिंदुस्तानियों, आप बड़ी अजीम कौम हो, आपको एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, वो मैं हूँ। मैंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट मैं विराट कोहली को वहाँ का वज़ीर आला बनाऊँगा, और विराट कोहली के साथ मिलकर मैं एक नई हुकूमत बनाऊँगा इंडिया में। और नरेंद्र मोदी चाँद पर नहीं पहुँच सका, मैं जाऊंगा, मैं रॉकेट पे खुद बैठूंगा और ख़ुद निगरानी करूंगा इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। 7001 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया है, 7000 रिजेक्ट हो गए हैं, रिभा एक सिलेक्ट हुआ है, वो मैं हूँ। यानी कि इमरान खान साहब, आप सिलेक्ट हो गए हैं सिटीजनशिप के लिए, जो कि आप कह रहे हैं, मुझे ये बताया कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ, कैटरीना कैफ ने मेरे वहाँ जाने से पहले शादी कर ली। मैं रोता रहा, मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग थी, वो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने
लाहौर जाना था इस्लामाबाद से, वो मैंने कैंसिल कर दिया। इतने आंसू बहाए, मेरी बात सुनो रिभा, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप कैटरीना कैफ को ख़त लिखें कि इमरान खान आपको आई लव यू बोलता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भारत जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे इमरान खान साहब? सबसे पहले मैं वहाँ जाके अपने कपड़े चेंज करूँगा, पसीने से बो आ रही होगी, और उसके बाद मैं वहाँ जाके वहाँ की मशहूर बिरयानी खाऊँगा। वहाँ की मशहूर वो जो खाने वाला होता है, क्या कहते हैं, पास्ता खाऊँगा। वहाँ का जो पानी पूरी होता है वो खाऊँगा, और उसके बाद मैं इंडियन लोगों से मिलूँगा। मैंने सुना कि इंडिया के लोग अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं आपका मेहमान बन के नहीं आ रहा, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और मैं इंडिया को दुनिया का नंबर वन मुल्क बना दूंगा, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं अभी, मेरा पाकिस्तान हो। आप बड़े बहादुर कौम हैं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आप गलती करते हैं क्या, आप मेरे जैसे बंदे को अपना प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने इस मुल्क का बड़ा गर्व किया, मैंने पाकिस्तान के लिए 22 साल जद्दोजहद की, और उसके बाद अब जाकर मैं इतना कामयाब हुआ हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरा इंटरव्यू कर रही है। ये मेरे लिए बड़े बायस फख्र बात है। मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को पाकिस्तान वापस लेके आओ। वो दवाई लेने गया था, अरे भा मुझे ये बताओ कि वो दवाई लेके कब वापस आएगा? ये तो इमरान खान साहब आपको पता हो कि आप वो कब वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपने ही तो भेजने में मदद की थी। अब मेरा पाकिस्तान है, देखो मैं बड़ा इस मुल्क के लिए बड़ा वफादार बंदा हूँ। ये देखो मेरा कोट साइड से फटा हुआ है, आप मेरे पास सुने, मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दूँगा। मेरा मुल्क है पाकिस्तान। आप देखें, मैंने पहले शादी की जमाइमा खान से, उसे तलाक दी इस मुल्क के लोगों के लिए, मेरा पाकिस्तानी हूँ। मैंने रिहाम खान से शादी की, रिहाम खान मुझे छोड़कर चली गई, बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने इस कौम के लिए तीसरी कुर्बानी दी, मैंने बुशरा बीबी के साथ शादी किया। रिभा आप यकीन करो मैं बोर हो गया हूँ। आप यकीन करो मैं मुझे ये बताएं कि आप भारत जा रहे हैं, वहाँ जाके आप और क्या क्या करेंगे, और क्या सोचे हैं आगे, नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके? अब मेरे हिंदुस्तानियों, मैं सबसे पहले जाके कैटरीना कैफ के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आलिया भट्ट के साथ दावत पे जाऊंगा, डेट पे जाऊंगा। और मेरे पाकिस्तानियों, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना है। तो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं वहाँ जाकर सबसे पहले कपिल शर्मा शो में जाऊंगा, और उसके बाद सिद्धू पाजी के साथ जफ्फी डालूंगा। और मेरा पाकिस्तानियों, मेरा हिंदुस्तानियों, मैंने मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखना है, सुना वहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, क्राउड बड़ा अच्छा होता है, और उसके बाद आईपीएल का मैच भी देखूंगा, और उसके बाद मैं ताजमहल भी जाऊँगा, और उसके बाद मैंने वहाँ क्या करना है आप ही बताओ। मैं तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, दिमाग में नहीं आ रहा। हिंदुस्तानियों आप कमेंट करके बताओ मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सही हो गया, आपने हमारा इमरान खान से मिलके तो खुशी तो हुई होगी, और इनके जज्बात जान के भी खुशी हुई होगी। शहरियत को पाने के लिए यानी पाकिस्तानियों ने की है 7,000 लोगों ने, इसको कैसे देखें? मेरे ख्याल में जब आपके मुल्क में जो है वो इस तरह से बदमनी होगी और महंगाई इतनी हो जाएगी और मामलात इतने होंगे, एजुकेशन का म्यार ऐसा होगा, और जब आप लाहौर में जिस तरह, लाइक अभी मैं लाहौर में रहती हूँ तो मैं अगर देखूँ तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफिस जाने के वक्त और वापस आने के वक्त मेरा मुझे शदीद डिप्रेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान के लोगों ने यही सोचना है ना कि वो यहाँ से निकल के वहाँ की शहरियत हासिल कर लें। और फिर जिस तरह अगर यहाँ पर हमारा एक सिंगर है तो उस सिंगर को उस तरह से जगह नहीं मिलती है, वो सारी ज़िंदगी गाता रहता है, मिनते करता रहता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को कि मुझे टीवी पर दिखा दें। लेकिन अगर वो इंडिया में जाता है तो एकदम उसको एक बहुत महान समझा जाता है, बड़ी ख़ास उसको चीज़ समझा जाता है, और उसको पैसे भी मिलेंगे और उसको शोहरत भी मिलेगी और शहरियत भी मिल रही है, और वहाँ पर वो जाकर एक अच्छे से प्रोग्राम में या फिल्म में गाना भी गा सकता है। तो कुछ दिनों बाद उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है या जी सन अवार्ड मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है
हम अपने एक्टर्स की, अपने फनकारों की कदर नहीं करते हैं, हमें अपने लोगों की परवाह नहीं है, इसीलिए लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक यही वजह है कि भारत में लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि भारत की मतलब नेशनैलिटी लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, दैट्स वाई हम लोग ज़्यादा वहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर वो लोग उनके हुक्मरान जो है वो खाते हैं तो वो अपने आवाम का ख्याल भी रखते हैं, और अगर आप देखें बेशक वहाँ पर भी बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जुल्म है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें गुर्बत है, लेकिन एक खास हद तक वो अपने लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं। उन्होंने भी जिलजिले के दिनों में उन्होंने भी जो है वो कोविड के दिनों में अपने लोगों का बड़ा ख्याल किया, और बड़ा एक कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ उनके एक्टर्स निकल आए और उन्होंने आकर जो है वो अच्छा खासा जो है वो राशन और इस तरह की चीज़ें जैसे आमिर खान, सलमान खान, इन्होंने बांटा और इन चीज़ों का ख्याल किया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब तक हम जो है वो अपने मुल्क में चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो लोगों की ये सोच जो है वहाँ जाए ठीक है, जाना चाहते हैं तो जाएँ। मेरे ख्याल में अब ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि कोई कहीं भी रहना चाहता है उसे जाने देना चाहिए। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है वो एक शख्स बहुत पसंद है, उसको मैं मिलना ज़रूर पसंद करूँगी। कौन? मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी। हाँ। और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है। अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी कोई सुनती भी होंगी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कोई उनकी ख़ास बात आपको याद हो? उनकी ख़ास बात ये है कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि एक तो उनकी शक्ल बड़ी अच्छी है, तो एक हैंडसम सा अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपको वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा वो शख्स जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे आपके दिल में उतर गया और उस वक्त आपके जहन में जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसका हल उस वक्त उसके पास है। तो इसी के साथ दी इजाज़त और एक नए प्रोग्राम के साथ। अब मेरा हिंदुस्तानियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और उसके बाद बताना है कि मैं इंडिया आऊँ या ना आऊँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मुझे इंडिया जाने के लिए कितने लोग कमेंट में कहते हैं वेलकम। आप कहोगी वेलकम, मैं भी वेलकम ही कहूँगी आपको। चले इमरान खान साहब, मुझे भी ले जाइएगा अपने साथ। अब मैं आपको अपनी सेक्रेटरी रख लूँगा, आप मेरा बैग पकड़ के मेरे साथ जाना, और मेरे कद काट में बड़ा फर्क पड़ेगा। अरे वाह, इमरान जैसी खूबसूरत लड़की मेरे साथ इंडिया जाएगी, यानी कि मेरे हिंदुस्तानियों, पाकिस्तान से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की जो तादाद है वो 7,002 हो चुकी है। मैं तो बहुत पैसे भी बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, और इमरान खान साहब पूरा प्रोग्राम ही आपने कर दिया है तो एंडिंग भी आप ही कर दें, वैसे भी आपने प्राइम मिनिस्टर बन ही जाना है। मेरे हिंदुस्तानियों, आपको यह शो कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बाय बाय, टाटा 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 टाटा। आपने तो कपिल शर्मा का भी पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ दें इजाजत, थैंक यू। 10,000 जो लोग हैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग नेशनैलिटी के लिए, और उन्होंने अप्लाई किया है क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो गवर्नमेंट हमारी है वो बिल्कुल भी उस तरह से कॉपरेट नहीं करती है जिस तरह से कॉपरेट करना चाहिए अपनी जनता के साथ, लोगों के साथ, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है, और अगर हम पास्ट में चले जाते हैं तो बिल्कुल इन फीमेल्स ने सही बात कही कि पास्ट में अगर हम लोग चले जाते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे हिस्ट्रिकल चीज़ें देखते हैं जो कि ये बोलती हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड यही चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि भाई जो जो है वो मतलब कि हमारे सामने जो मेन चीज़ें आती हैं वो यही आती हैं कि हम लोग अपने टैलेंट की कदर नहीं करते, हमारे टैलेंट को कोई देखता नहीं है, और अगर वही लोग आप इंडिया में चले जाते हैं तो उनका टैलेंट, उनको मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं और फिर वो उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उनकी टैलेंट को सराहा भी जाता है। एग्जांपल अगर हम देख लें तो आतिफ असलम को देख लें, अगर वो पाकिस्तान में थे
तो उनको इतना कोई नहीं देखता था, उतना कोई सुनता नहीं था, मतलब सुनते थे लेकिन इस कदर वो फेमस नहीं थे। लेकिन जब वो इंडिया में गए और इंडिया में उनको सुना गया तो वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन गए और आज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिंगर भी हैं और आउट ऑफ कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर उनको बुलाया जाता है, उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनको हर जगह पर उनकी एक वैल्यू और एक डिमांड बन चुकी है। इसी के साथ साथ राहत फ़तेह अली खान को भी आप देख लें तो वो एक पंजाबी गाने गाया करते थे और उनका भी एक कोई कैरियर नहीं था, मतलब कि कैरियर जस्ट यही था कि जब तक गाता ठीक है उसके बाद वो आवाज़ उनकी गायब हो जाती। लेकिन यहाँ पर उनको सिर्फ पंजाब में बेसिकली सुना जाता, लेकिन अब अगर हम बात करें तो उनको पूरी दुनिया में सुना जाता है, उनके कॉन्सर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि उनको उन्होंने इंडिया में उन्होंने एक दो गाने गाए जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनकी आवाज़ को लोगों ने पसंद किया, उनको चांस मिले, मौके मिले, इंटरनेशनल लेवल पर वो हिट हो गए, मतलब कि उनको इतनी वैल्यू मिली। फिर उसके बाद हम अदाकारों को देखते हैं तो वो भी ऐसी हैं। फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में गए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अब अदनान समी को देख लो, अदनान समी जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर थे लेकिन आज वो इंडियन बनकर उन्होंने नेशनैलिटी लेकर आज वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको अपना यहाँ पर बेसिकली कैरियर आपका बहुत कम, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मौके उनको मिलते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, करते नहीं हैं, लेकिन उनको फिर भी मौके मिल जाते हैं क्योंकि उनके बड़े जो हैं वो उनका कुछ ना कुछ लिंक होता है। लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं और गरीब लोग होते हैं उनको इतने जल्दी से उनको टैलेंट उनका नहीं सराहा जाता। लेकिन इंडिया में यह है कि गरीब के टैलेंट को भी सराहा जाता है। एक तो ये टैलेंट की बात हो गई, दूसरा गरीब लोगों की जो है वो यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं और राशन वगैरह का बहुत इशू होता है जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं योगी जी राशन वगैरह लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और खाना वगैरह जो है वो हर चीज़ उनको और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा और फीमेल्स के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं और काफ़ी अपग्रेड हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हम सिर्फ ये देखते हैं कि कानून यहाँ पर उस तरह से नहीं है जिस तरह से कानून को होना चाहिए। तो मतलब कि कन्वर्जन का सीन देख लें, आपने अगर नॉन मुस्लिम की बात करते हैं तो कन्वर्जन देख लें, उन लोगों के कन्वर्जन करवाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है हर जगह पर हो रहा है लेकिन होता भी है तो क्यों होता है, ये सवाल उठता है। तो खैर लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा कैरियर हो, हमारा अच्छा मुस्तकबिल हो और वो लोग जाते हैं वहाँ पर नेशनैलिटी के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है क्योंकि उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर और सुपर पावर भी है और हर तरह से वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है। एक तो मुझे लगता है कि यही फ़ायदा है इंडिया को। और लास्ट में मैं यही मतलब इस वजह से इनको नेशनैलिटी अगर मिल जाती है तो इनको लगता है कि हमारी एक रिस्पेक्ट बन जाएगी, हमारी एक डिमांड हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, ये सब। लेकिन उसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि फ़नी वीडियो का पार्ट जो था वो इमरान खान वाला था। स्टार्टिंग में मुझे इस तरह फ़नी पार्ट देखने को मिला, लाइक हंस रहा था और वो कैटरीना कैफ वाला सीन बड़ा फ़नी था कि मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पर कैटरीना कैफ को बोलो उसने मुझसे पहले ही शादी कर ली, अच्छा एक वो सीन था। और इसके साथ साथ मतलब बड़ा फ़नी लग रहा था और जो है वो कह रहा था 7101 हो गया है और मैंने अप्लाई किया है और ये कोहली जो है उसको कोहली को जो है वो मैं बनाऊंगा ये वो, तो ये बड़ा फनी सीन था। एनीवेज ओवरऑल आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो एंड बस मैं ये कहूँगी कि जो भी हो और अगर वो नेशनैलिटी के लिए जा रहे हैं आई होप कि उनको नेशनैलिटी मिल जाए और जल्द से जल्द मिल जाए ताकि वो जाएं और अपनी लाइफ को वैसे रह सकें जो उन्होंने सोचा है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि कंट्री कोई भी बुरी नहीं होती, नेशनैलिटी आप बस आपके वहाँ के सरबरा जो होते हैं उनकी वजह से आपकी कंट्री का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस मैं यही कहूँगी, बाकी आगे आप लोग समझ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।